वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक आदिवासी हेयर ऑयल की रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। अभी आदिवासी हेयर ऑयल फिर से बहुत ज्यादा वायरल में चल रही है यूट्यूब पे, और इसकी आपको स्कैम भी बहुत ज्यादा मिल रही है। आप इस सब चीज से अलर्ट रहिएगा, क्योंकि स्कैम के साथ आपको प्रोडक्ट बहुत घटिया मिल रही है। प्राइस आपको ले ले रही है बहुत ज्यादा, और प्रोडक्ट आपको नकली दे दे रही है, जिससे आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगी। उल्टा हो सकती है आपकी स्कैल्प के लिए बहुत ज्यादा गलत हो जाए और आपकी हेयर फॉल बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाए, हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो को जरूर फुल वॉच कीजिएगा। इसमें मैं आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट बताऊंगी, जिसे आप ले करके अपनी हेयर ग्रोथ इंक्रीज कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा इससे प्रॉब्लम से आप हेयर के रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, क्योंकि इसमें आपको हेयर की हर एक प्रॉब्लम को रिड्यूस करके देती है फ्रेंड्स। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा फ्रेंड्स, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। जो प्रोडक्ट है आज की, जो आदिवासी हेयर ऑयल है, वो आदिवासी जनीथा हेयर ऑयल है फ्रेंड्स, ठीक है। मींस आपको ये पूरी आयुर्वेदिक मिलती है इंग्रेडिएंट के साथ, और ये आदिवासी लोग बनाते हैं। प्राइसिंग की बात करूं एंड क्वांटिटी की बात करूं, तो आपको अराउंड 800 रुपीज लगती है, एंड क्वांटिटी आपको 250 ml मिलती है। इसकी आपको 1000 ml वाली भी आती है और 500 ml वाली भी आती है। सारी की लिंक्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, वेबसाइट्स की इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, इनकी जो वेबसाइट है आदिवासी हेयर ऑयल की। और ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, अभी बहुत ज्यादा स्कैम चल रही है, जहां से मैं आपको प्रोडक्ट बता रही हूँ वहीं से जाकर के लीजिए। और भी आदिवासी हेयर ऑयल है जो कि बहुत ज्यादा वायरल में चली है, और भी मैंने बहुत सारी ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में बताया है चैनल पे, आप वो भी जाकर के देख सकते हो। सबकी प्राइसिंग सेम है, जहां से आप लेना चाहते हो ले सकते हो। आपको मैं आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगी वो भी वीडियो, जो कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो आदिवासी हेयर ऑयल है आपको क्रीम्स क्या क्या प्रोवाइड करती है, मींस आपकी हेयर की क्या क्या प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करती है। डैंड्रफ की प्रॉब्लम फ्रेंड्स आपकी रिड्यूस करती है। स्कैल्प में अगर इचिनेस की प्रॉब्लम है, आपको स्कैल्प में बहुत ज्यादा डर्टनेस आने के चलते बहुत इन्फेक्शन टाइप की चीजें भी हो रही है, तो उन प्रॉब्लम को रिड्यूस करती है। हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करती है, न्यू हेयर लेकर के आती है, मींस आपके बेबी हेयर लाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। साथ में फॉलिकल्स को स्ट्रांग करती है। फॉलिकल्स स्ट्रांग नहीं होगी, रूट्स स्ट्रांग नहीं होगी हेयर की, तो आपकी हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगी, और हेयर ग्रोथ आएगी भी तो हेयर फॉल में वो बदल जाएगी, क्योंकि फॉलिकल्स स्ट्रांग नहीं रहेगी तो बाल आपकी तुरंत तुरंत खिंचाने लगेगी और टूटने लगेगी बाल। बालों को स्ट्रांग बनाने के साथ साथ आपकी फ्रिजनेस की प्रॉब्लम को रिड्यूस करती है, बस शाइनी हेयर बनाएगी आपको, एकदम सिल्की शाइनी जो बोलते हो आप हेयर, जैसे कि मेरी हेयर है बहुत ज्यादा सिल्की शाइनी हेयर है, सेम आपको ऐसी ही मिलती है हेयर आपको। इसमें क्रीम्स इसकी यही प्रोवाइड की गई है, और ये ओरिजिनल क्रीम्स है फ्रेंड्स, कोई ऐसे नहीं कि क्रीम्स बोल दिए और रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। साथ में आपकी ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी आने लगी है आपकी हेयर पे, तो उस चीज को वो मेंटेन करेगी आपकी, वो फिर से पीछे कर देगी, मींस आपकी ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर देगी फ्रेंड्स, ठीक है। साथ में फ्रेंड्स ये आपको एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज के साथ भी पाई जाती है, तो आपकी हेयर के लिए बहुत अमेजिंग होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, इसे कौन कौन यूज कर सकते हैं। तो 12 से आप एज वाले सारे को यूज कर सकते हैं, चाहे वो बड़े हो छोटे हो, 12 के एज से सारे को यूज कर सकते हैं। बालों में हर एक बालों के लिए बहुत सुटेबल है। आपकी अगर ड्राई स्कैल्प है, आपकी ऑयली स्कैल्प है, या कॉम्बिनेशन स्कैल्प इसमें आ जाती है, अगर आपकी बहुत ज्यादा इची स्कैल्प है तो उसमें भी यूज कर सकते हो। अगर हेयर कलर कराए हो, बहुत ज्यादा ब्रेकेज हो गई है उस वजह से हेयर में, तो उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करती है। स्प्लिटेंट्स की जो प्रॉब्लम हो जाती है बालों में, बालों की एंड्स में स्प्लिटेंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो स्प्लिटेंट्स की प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करती है। इंग्रेडिएंट की बात करूं फ्रेंड्स, आपको इंग्रेडिएंट क्या क्या मिल जाती है, तो व्रिंग राज के साथ आपको आमला मिलती है, सरिवा मिलती है, मंजिस्टा मिल जाती है फ्रेंड्स, कोकोनट ऑयल मिल जाती है जो कि 100% वर्जिन, और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आपको मिलती है, और भी इसमें कई टाइप्स की ऑयल मिलती है आपको, कैस्टर ऑयल हो गई, ऑलिव ऑयल हो गई, आपकी करी लीव्स हो गई, और भी कई टाइप्स के आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है। आपको मैं सारी इंग्रेडिएंट्स मिस सारी तो नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगी, लेकिन हाँ ज्यादा से ज्यादा आपको स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कितनी सारी इंग्रेडिएंट्स है फ्रेंड्स, और हर एक इंग्रेडिएंट आपकी कोई हेयर ग्रोथ पे इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, न्यू हेयर ग्रोथ को आपको बढ़ाएगी, बेबी हेयर्स लाने में मदद करती है, ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम को रिड्यूस करती है जो कि आपको मैंने पहले भी बताया है, इची स्कैल्प हो गई है, डैंड्रफ बहुत ज्यादा 80 हद से ज्यादा हो गई है,
उसमें यूज कर सकते हो। हेयर कलर करा भी लिए हो तब भी हेयर कलर में भी आप यूज कर सकते हो और साथ में आपको ब्रेकेज की प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करके देती है फ्रेंड्स। ओके, मैनेजेबल आपके बहुत ज्यादा हेयर बनाएगी, मिस आपकी मैनेज रहेगी हेयर, आपको ज्यादा टैंगल्स नहीं आएगी, थोड़ी मोटी टैंगल्स आएगी फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इस प्रोडक्ट की कि आपको यूज कैसे करनी है, कोई भी ऑयल हो हेयर पे कैसे लगानी है। तो ओवर नाइट आपको ऑयल रखनी है फ्रेंड्स। ठीक है, या तो नहीं आप शैम्पू से 1 से 2 घंटा पहले शैम्पू से पहले आपको ऑयलिंग लगानी है और ऑयलिंग जब भी करें तो स्कैल्प एरिया को ज्यादा आप मॉइस्चराइज करने में ध्यान लगाएं और ज्यादा से ज्यादा तेल ना लगाएं, जितनी आपको नीड है उतनी ही आपको लगानी है। पहले आपको कॉम कर लेनी है अपने हेयर को अच्छे से, बालों में लगाने के बाद आपको 1-2 घंटा छोड़ देनी है, फिर देन कॉम करने के बाद आपको नहाने जानी है। कॉम करके अगर आप बाल जाओगे तो आपकी हेयर फॉल बहुत कम हो जाती है और हेयर ग्रोथ प्रमोट करती है बहुत ज्यादा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है कॉम करने से फ्रेंड्स। ठीक है, कभी भी आप हेयर ऑयलिंग करें जो डर्टी हेयर पे ना करें, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर शैम्पू आप कर ले और उससे पहले आपको ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग सबसे अच्छी एक प्रोसेस होती है आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करने में, और साथ में हेयर सीरम जरूर लगाएं, कोई भी हेयर सीरम ले सकते हो आप। लिवॉन की हेयर सीरम मैं यूज करती हूँ, मैं बहुत सालों से यूज करती हूँ, और स्टेरिक्स की भी एक बार मैंने यूज किया है और एक बार मैंने शायद लॉरेल वाली यूज की थी, ये मुझे 3 बहुत ज्यादा अच्छी लगी है सीरम। और भी कई टाइप्स की और भी सीरम्स आती है मार्केट में, वो भी जाकर के आप ले सकते हो, लेकिन सीरम आप जरूर यूज करें हेयर वॉश करने के बाद। शैम्पू अगर लगाते हो तो कंडीशनर उसके साथ डेफिनेटली लगाएं, तब भी आपको और ज्यादा रिजल्ट्स मिलती है। इसके साथ आपको स्मूथ शाइनी हेयर मिलती ही है, कंडीशनर लगाओगे तो और मैनेजेबल हेयर रहती है फ्रेंड्स, और स्मूथ की मैं बात ही क्या बताऊं, आपको बहुत ज्यादा स्मूथ मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी रिजल्ट्स की, कि रिजल्ट्स क्या है। तो रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है, 1 वीक इना आपको 1 डे में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगी। आप पहले ओवरनाइट रखो इस हेयर को, हेयर ऑयल को लगा करके, नेक्स्ट मॉर्निंग आप हेयर वॉश करो, आपको खुद पे खुद दिखना स्टार्ट हो जाएगी, कुछ तो आपको परसेंटेज आपकी हेयर फॉल में दिखना स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स आपकी हेयर फॉल कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे यूज करोगे आप 1 मंथ में आपको बहुत अच्छी रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको एकदम रेगुलर यूज करनी है, एकदम अच्छे से ठीक करनी है, तो 6 मंथ इसकी पूरी होल पैकेजिंग में आती है, आप 6 मंथ वाली ले सकते हो। 500 वाली प्रोडक्ट लोगे तो आराम से आपकी 6 मंथ चल जाएगी और बहुत अच्छे से। अगर लॉन्ग हेयर है तब 500 ml की बात कर रही हूँ, शॉर्ट हेयर में 250 ml बहुत है फ्रेंड्स। ठीक है, इस प्रोडक्ट को आप डेफिनेटली सबके साथ शेयर करें, अभी बहुत ज्यादा स्कैम चल रही है आदिवासी हेयर ऑयल में, और ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलती है। व्हाट्सएप की नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, यहाँ पर भी जाकर के आप बाय कर सकते हो, नहीं तो वेबसाइट्स पे भी जाकर के डायरेक्ट बाय कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं फ्रेंड्स, सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस।